अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। सुब्रा मुखर्जी भारत की फर्स्ट लेडी थे। वह भारत के 13वें प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की पत्नी थे। 18 अगस्त 2015 को 74 वर्ष की आयु में सांस की बीमारी से उनका निधन हो गया। सुब्रा मुखर्जी का जन्म मंगलवार 17 सितंबर 1940 को जैसर बंगाल ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब नारेल जिले खुलना मंडल बांग्लादेश में है। 1947 में भारत के पार्टीशन के बाद 1950 में 10 वर्ष की आयु में वो कोलकाता चले गए थे। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इतिहास में ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की है। सुब्रा मुखर्जी ने 13 जुलाई 1957 को पूर्व भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शादी की है। इस दंपति के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। अभिजीत मुखर्जी जो एक राजनीतिज्ञ है, इंद्रजीत मुखर्जी जो एक तकनीकी विश्लेषक है और शर्मिष्ठा मुखर्जी जो एक डांसर और राजनेता है। उन्होंने 2 किताबें लिखे है, चोखरालय चेन्ना और चेन्नई चीन। सुब्रा मुखर्जी लंबे समय से सांस की बीमारी से पीड़ित है। उन्होंने 18 अगस्त 2015 को नई दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में अंतिम सांस लिए। उनकी मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को लोधी रोड के इलेक्ट्रिक एमेंटोरियम नई दिल्ली के 13 तालकोटा रोड में ले जाया गया, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वह रविंद्र संगीत की गायिका और नर्तकी थे और कई वर्षों तक रविंद्रनाथ टैगोर के नृत्य नाटकों में विश्व स्तर पर प्रदर्शन किए। एक नर्तकी होने के नाते उन्होंने 70 के दशक में एक नृत्य ग्रुप गीतांजलि ट्रूप शुरू किए, जो रविंद्रनाथ टैगोर के काम को उनके गीतों और नृत्य नाटकों के माध्यम से फैलाने और बढ़ावा देने के लिए था। संगीत की ओर झुकाव के साथ वे एक प्रतिभाशाली चित्रकार भी थे। उन्होंने फरवरी 1971 से अगस्त 1971 तक 6 महीने के लिए पश्चिम मिदनापुर के घाटल के वीर सिंहपुर विद्यासागर बालिका विद्यालय में एक शिक्षिका के रूप में काम किए। उनके निधन के बाद स्कूल पूर्व फर्स्ट लेडी के सम्मान के रूप में एक दिन के लिए बंद रहा। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर ऐसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।